नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। 8 PM न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। केंद्र ने संपूर्ण नागालैंड को घोषित किया अशांत क्षेत्र, अफस्पा को 6 माह के लिए बढ़ाया। UNFPA ने जारी किया स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020, लड़कियों की मृत्यु की संख्या बीते 50 वर्षों में हुई 2 गुना। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपूर्ण नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है और राज्य में सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है, जो 30 जून 2020 से लागू हो गया है। इस विषय में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि संपूर्ण नागालैंड अशांत क्षेत्र है, इसलिए वहां नागरिक व्यवस्था को सशक्त बल की मदद की ज़रूरत है। अफस्पा की धारा 3 के अनुसार अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को यह लगता है कि पूरे राज्य में या उसके कुछ हिस्से में अशांति है और वहाँ की स्थिति खतरनाक है और वहाँ सशस्त्र बलों की तैनाती आवश्यक है, तो राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या केंद्र सरकार राज्य के पूरे क्षेत्र या उसके किसी एक हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। राज्य में पिछले 6 दशक से अफस्पा लगा है। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी कमीशन्ड अधिकारी, वारंट अधिकारी, गैर कमीशन्ड अधिकारी या इस रैंक के किसी भी सैन्य अधिकारी को यह अधिकार है कि वह 5 या इससे अधिक लोगों को एक जगह जमा होने से रोक सकता है और इसके लिए वह किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बल प्रयोग कर सकता है, भले ही इसमें किसी की जान ही क्यों न चली जाए। अगर अधिकारी को लगता है कि कोई व्यक्ति अशांत क्षेत्र में कानून के खिलाफ काम कर रहा है तो वह अधिकारी उसे बलपूर्वक रोक सकता है। सैन्य अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी परिसर में किसी व्यक्ति की खोज बिना किसी सर्च वारंट के कर सकता है। वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ मामले में अफस्पा 1958 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA द्वारा विश्व भर में महिलाओं की घटती संख्या को लेकर स्टेट ऑफ पॉपुलेशन 2020 नाम से एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हर साल विश्व भर में तकरीबन 14 करोड़ लड़कियों की मृत्यु हो रही है। इन लड़कियों की मृत्यु की संख्या बीते 50 वर्षों में 2 गुनी हो गई है। जहां भारत में वर्ष 2020 तक मृत महिलाओं की संख्या 4.5 करोड़ है, वहीं चीन में यह आंकड़ा 7.3 करोड़ है। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि विश्व में लिंग परीक्षण के कारण मृत लड़कियों की संख्या कुल मृत लड़कियों की संख्या का 2/3 है, जबकि जन्म के बाद मृत लड़कियों की संख्या 1/3 है। यानी इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार द्वारा लिंग परीक्षण वैन या प्रतिबंधित किए जाने के बाद भी धड़ल्ले से यह काला कारोबार देश में फल फूल रहा है। सिर्फ यह लिंग परीक्षण तक सीमित होता तो भी ठीक था, लेकिन परीक्षण के बाद 2/3 भ्रूण हत्या हो रही है। यह एक विचार विमर्श का विषय है। लैंगिक आधार पर भेदभाव के कारण यानी जन्म से पूर्व लिंग की जानकारी हो जाने के कारण हर वर्ष विश्वभर में जितनी मृत्यु लड़कियों की होती है उसका तकरीबन 93% भारत और चीन में होता है। शेष 7% मृत्यु विश्वभर में होता है। यानी अगर विश्वभर में हर वर्ष 100 लड़कियाँ भ्रूण हत्या की शिकार होती हैं तो उसमें 93 लड़कियां भारत और चीन जैसे विकासशील देशों से होती हैं, जबकि शेष 7 लड़कियां विश्व के अन्य देशों से होती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह, लोगों में पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा और लिंग चयन के कारण इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही हर वर्ष विश्वभर में लाखों लड़कियों का विवाह अपने समुदाय की उन प्रथाओं के अधीन किया जाता है जो उन्हें शारीरिक एवं भावनात्मक रूप में नुकसान पहुँचाता है। और अब अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। देश के 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में सुधार के लिए विश्व बैंक ने $50 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। यह लाभ हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान राज्यों को मिलेगा। विश्व बैंक ने यह राशि 1994 से चल रहे स्टार्स प्रोग्राम यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स के लिए दिया है।
हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संक्रमितों की सहायता के लिहाज से दिल्ली में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। देश भर में यह प्लाज्मा बैंक अपनी तरह का पहला बैंक होगा। इस घोषणा के मौके पर मुख्यमंत्री ने ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा देने की अपील भी की है। इसके लिए केजरीवाल ने एक विशेष हेल्पलाइन जारी करने को कहा। प्लाज्मा थेरेपी के साथ परीक्षण करने के लिए ICMR से मंजूरी पाने वाले कुछ विशेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एक है। आपको बता दें कि इस पद्धति में स्वस्थ हो चुके मरीजों के शरीर से प्लाज्मा प्राप्त करके रोगी के शरीर में डालकर उपचार किया जाता है। कम लक्षण वाले रोगियों को इसका ज़्यादा लाभ मिलता है। 30 जून को NTPC लिमिटेड, इंडियन ऑयल और SDMC ने दिल्ली के ओखला में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता न सिर्फ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था में प्रयास है, बल्कि हमें हरित भविष्य की ओर भी ले जाएगा। देश के बड़े शहरों में बढ़ रहे सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट की समस्या से निपटने के लिए यह एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। आपको बताते चलें कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने कपास की रंगीन प्रजाति को विकसित करने में सफलता पाई है। इसके विकसित होने से अब रासायनिक रंगों से कपड़ों को नहीं रंगना होगा। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने कपास के आणविक रंग के जेनेटिक कोड में बदलाव कर यह सफलता पाई है। रंगीन कपास को विकसित करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने भी काफ़ी प्रयोग किया और हमारे वैज्ञानिकों को हरे और भूरे रंग के कपास को विकसित करने में सफलता भी मिली है। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन ने रंगीन कपास के 15 पेटेंट भी हासिल किए हैं। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने 30 जून को मत्स्य संपदा नाम से फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज़लेटर का पहला संस्करण शुरू किया। आपको बता दें कि इस समाचार पत्र को 2020-21 के पहली तिमाही से त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए मत्स्य विभाग देश के मछुआरों और मछली किसानों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मई 2020 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत आने वाले 5 सालों में तकरीबन 55 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। हाल ही में माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के तकनीकी भागीदारों को उनके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए वर्चुअल ग्लोबल लीडरशिप समिट एंड फेस्टिवल ऑफ AI एंड इनर्जिंग टेक्नोलॉजी COG X 2020 में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों COVID-19 सोसाइटी के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार और पीपल्स च्वाइस COVID-19 ओवरऑल विनर में दिया गया। आपको बता दें कि माई गवर्नमेंट, व्हाट्सएप और जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की टीमों के बीच सहयोग से रिकॉर्ड 5 दिन में माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए विकसित किया गया था। AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक चैट बॉक्स है जो देश के नागरिकों को COVID-19 से संबंधित नवीनतम जानकारी देने में सक्षम है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।